आप लोग का स्वागत है। और आज दोस्तों ओप्पो ने इंडिया में अपने A31 को लॉन्च कर दिया है। जी हाँ, और ये दोस्तों ओप्पो का काफी बजट वाला स्मार्टफोन आप उसको बोल सकते हैं। दो वेरिएंट्स में आपको मिलेगा, जो बेस है वो 4GB रैम 64GB स्टोरेज है और एक और हायर है 6128, जो कि अच्छी बात है। और ये जो स्मार्टफोन है, आपको मैं बता दूं, ये ऑफलाइन ओनली स्मार्टफोन है, तो ऑफलाइन में जो है वो ज्यादा टारगेट होगा। तो ध्यान रखना आपको कि इसकी प्राइस आपको थोड़ी ज्यादा देखने को मिल सकती है, लेकिन जिस तरीके के स्पेक्स से मुझे लगता है शायद 10,000 या उसके नीचे होगा तो सही रहेगा। अब देखते हैं कि ओप्पो उसको क्या प्राइस देता है, ये तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट के अंदर अपडेट कर दूंगा। ये वीडियो दोस्तों आप देखते रहिए, इस वीडियो में मैं आप लोग को ओप्पो A31 की सारी जानकारी यहां पर दे देता हूं। तो यहां पे देखेंगे दोस्तों, बॉक्स आपको कुछ इस तरीके का मिलता है। सामने देखेंगे ओप्पो A31 यहां पर लिखा है, और हमारे पास जो वेरिएंट है वो 4GB रैम 64GB वाला है, और नीचे कुछ खास इंफॉर्मेशन है नहीं। ऊपर की तरफ थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन यहां पर दी गई है, और उसके अलावा पीछे की तरफ देखेंगे दोस्तों थोड़ी बहुत हाईलाइटिंग फीचर्स यहां पर मेंशन की गई है। और जो कलर हमारे पास है, जैसे कि मैंने कहा था, वो है फैंटेसी व्हाइट। और उसके बाद सार वैल्यू की बात करेंगे दोस्तों, आपको हेड के लिए 1.107 मिलता है और बॉडी के लिए 0.532 कुछ इस तरीके का है। ज्यादा कुछ खास इंफॉर्मेशन है नहीं, फटाफट से बॉक्स को ओपन करते हैं, साथ में आपको टेक्निकल भी दे देता हूं। तो यहां पे दोस्तों आप लोगों को 6.5 इंच की HD प्लस की एक IPS डिस्प्ले मिलती है, जहां पर आप देख सकते हैं आपको वाटरड्रॉप नॉच वाली डिस्प्ले मिलती है। 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो है, काफी टॉल आपको यहां पर डिस्प्ले मिलता है। और उसके अलावा आपको 89% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी यहां पर मिलती है। वैसे दोस्तों काफी बड़ा डिस्प्ले है, तो आपका जो एक्सपीरियंस होगा जब आप वीडियोस वगैरह देखते हैं, गेम खेलते हैं, तो वो आपको इसमें काफी बढ़िया देखने को मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों आपको इसमें हीलियो P35 का एक नया प्रोसेसर मिलता है। ये थोड़ा भी रिसेंटली ही मीडिया टेक ने उसको अनाउंस किया था, जहां पर दोस्तों ये जो प्रोसेसर है जो एंड्रॉइड स्कोर आया था वो भी डिसेंट था, 1 लाख के आसपास आया था। और मैंने इसमें पबजी ट्राई किया था दोस्तों, तो स्मूथ में तो ठीक चल रही थी, लेकिन अगर आप बैलेंस में ट्राई करेंगे तो थोड़ा सा गेम लैग होता है। तो गेमिंग के लिए दोस्तों पबजी वगैरह अगर आप हाई एंड गेम्स खेलते तो वहां पर थोड़ा सा इशू होगा, लेकिन अगर आप कैजुअल गेम्स खेलते तो वहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और डे टू डे लाइफ में तो नॉर्मली दोस्तों ये प्रोसेसर आपको वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं देगा, लेकिन याद रखना ये गेमिंग प्रोसेसर नहीं है, क्योंकि हाई एंड गेम्स अगर आप खेलते हैं तो कहीं ना कहीं आपको फ्रेम ड्रॉप्स या लैग वगैरह देखने को मिल सकता है। वैसे दोस्तों पीछे की तरफ आपको ट्रिपल रियर फेसिंग कैमरा मिलता है, 12 मेगापिक्सल का आपको प्राइमरी मिलता है, उसके अलावा आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ दिया है और 2 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो मिलता है, तो काफी डिसेंट आपको कैमरा सेटअप मिलता है। सामने की तरफ 8 मेगापिक्सल की आपको सेल्फी मिल जाती है, उसमें पोर्ट्रेट ब्यूटी वगैरह सब कुछ मिलता है, और 4230mAh की आपको यहां पर बैटरी मिलती है। तो ये थे दोस्तों उसके सारे कंप्लीट स्पेक्स जो मैंने आपको बताया, जो काफी डिसेंट है। और उसके बाद दोस्तों हमने बॉक्स को ओपन कर दिया है, और ये एक छोटा सा पहले बॉक्स मिल रहा है जिसमें देखेंगे आपको मिलता है सिम इजेक्टर पिन डॉक्यूमेंटेशंस, और आपको एक बैक केस भी उन्होंने प्रोवाइड किया है। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं हमारे फोन की तरफ, और ये प्लास्टिक को भी निकाल देते हैं, और आप देखेंगे वैसे यहां पर भी एक स्टिकर, इसको भी निकाल देते हैं, क्या बात है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा आपको स्लिम और लाइट वेट मिलता है। ये दोस्तों 8.3mm की थिकनेस पर है और 180g का है। ये चीज में ओप्पो बहुत ही जबरदस्त काम करता है, काफी ज्यादा हल्का है, बहुत ही ज्यादा स्लिम है। और ये जो फैंटेसी व्हाइट है, एक अलग ही लेवल का कलर है जो देख के बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। एनीवेज पीछे ऑब्वियसली आपको ये प्लास्टिक बैक मिलता है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर 3D आपको थोड़ा इफेक्ट दिया, ऐसा आप अगर टिल्ट करते हैं तो थोड़ा आपको फील होगा, जब आप फोन लेंगे तो आपको पता चलेगा। इसको रखते हैं दोस्तों फिलहाल के लिए साइड में, देखते हैं बॉक्स में आपको यहाँ पर क्या कुछ मिलता है। तो आप देखेंगे आपको एक नॉर्मल स्टैंडर्ड 10W का चार्जर उन्होंने जो वो प्रोवाइड किया है, और उसके बाद दोस्तों ये है आपको माइक्रो USB केबल मिलता है। जी हाँ, ये माइक्रो USB केबल है जो कुछ इस तरीके का है। अब ये दोस्तों सारे बॉक्स कंटेंट, फटाफट से आते हमारे फोन की तरफ। यहाँ पर दोस्तों आते हमारे फोन की तरफ, और फिजिकल बोर्ड की बात करें तो नीचे देखेंगे आपको 3.5mm जैक मिलता है, आपको माइक होल, आपको माइक्रो USB पोर्ट मिलता है, स्पीकर आउटपुट मिलता है। लेफ्ट में देखेंगे दोस्तों आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन की मिलती है, ऊपर सिम ट्रे मिलता है जहां पर आपको डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट मिलता है, यानी कि 2 सिम कार्ड और एक एक्स्ट्रा आप माइक्रो एसडी कार्ड लगा सकते हैं। राइट में पावर बटन है, और ऊपर देखेंगे आपको एकदम प्लेन मिलता है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों हमने हमारे फोन को बूट कर दिया, और आप देखेंगे डिस्प्ले दोस्तों वैसे काफी इंप्रेसिव है इसका, काफी ह्यूज आपको डिस्प्ले मिलती है। तो जैसे कि मैंने कहा था, कंटेंट्स अगर आप देखते हैं इसमें वीडियोस वगैरह, तो उसमें आपको बहुत ही मजा आएगा। एनीवेज दोस्तों हम जाते हैं यहां पर सेटिंग्स में, और अगर मैं एंड्रॉइड वर्जन की बात करता हूं तो हम जाते हैं अबाउट के अंदर, और यहां पर जैसे कि देखेंगे दोस्तों आपको कलर ओएस 6 मिलता है, एंड्रॉइड 9 मिल रहा है, तो अभी मुझे पता नहीं कलर ओएस 7 और एंड्रॉइड 10 इसमें कभी आएगा। अब यहां पर दोस्तों बात करते हैं फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक की, तो पीछे आप देखेंगे रियर फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको मिलता है, मैं आपको चेक करके दिखा देता हूं। आप देखेंगे मैंने टैप किया और ओपन हो गया, फिर से एक बार दिखाता हूं, आप देखेंगे टैप किया ओपन हो गया, तो काफी फास्ट है। और फेस अनलॉक की बात करेंगे, आहा क्या बात है, फिर से एक बार दिखा देता हूं,
तो हाँ, आपको अच्छा खासा फेस अनलॉक भी यहाँ पर देखने को मिलता है। ऐसे दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर इस फोन के सेंसर्स की, तो आपको काफी सारे सेंसर्स यहाँ पर मिलते हैं। Helio P35 वाला प्रोसेसर है, तो उसके अलावा भी आपको काफी सारे सेंसर्स आप देखेंगे। एक्सेलेरोमीटर है, जियोमेट्रिक है, ओरिएंटेशन, जायरोस्कोपिक, लाइट, प्रॉक्सिमिटी, ग्रेविटी, वैसे तमाम सेंसर्स आपको इस फोन में मिलते हैं, तो ये एक चीज आपको यहाँ पर अच्छी देखने को मिलती है। एनीवेज दोस्तों बात करते हैं फाइनली यहाँ पर इसके कैमरे की। आप देखेंगे इंटरफेस आपको कुछ इस तरह का मिलता है, आपको डेजलिंग कलर मोड मिलता है, HDR का सपोर्ट है, और वीडियो में दोस्तों अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ पर फुल HD वीडियो आप यहाँ पर रियर से निकाल सकते हैं, और सेल्फी में भी आपको फुल HD वीडियो निकालने को मिलता है। तो आपको मैं स्क्रीन पे दोस्तों कुछ सैंपल्स दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की आपको पिक्चर मिलती है। काफी डिसेंट आपको यहाँ पर क्वालिटी मिलती है, जो कलर्स वगैरह है वो काफी बढ़िया है। आप डेजलिंग मोड का लगा के कलर्स को और भी ज्यादा एनहांस कर सकते हैं, और उसके अलावा देखेंगे पोर्ट्रेट शॉट्स भी देखेंगे कुछ इस तरीके की आपको क्वालिटी यहाँ पर देखने को मिलती है। और उसके अलावा दोस्तों सेल्फी की बात करेंगे तो सेल्फी भी देखेंगे दोस्तों 8 मेगापिक्सल की, लेकिन काफी अच्छी है, अच्छी खासी सेल्फी आप यहाँ पर ले सकते हैं। पोर्ट्रेट मोड वगैरह आपको मिल जाता है, तो सेल्फी में भी आपका काम यहाँ पर काफी सही निकल जाएगा। तो ये दोस्तों ओप्पो का A31, जहां पर मेरे हिसाब से दोस्तों ओप्पो का ये काफी बजट स्मार्टफोन होने वाला है। आप देखते हैं कि क्या प्राइस पर ओप्पो इसको लेके आता है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट के अंदर अपडेट कर दूंगा। वैसे आपकी क्या राय है इस फोन के बारे में, आप मुझे जरूर से कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आएगा दोस्तों लाइक करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।